थोड़ा कर लेंगे। तो सबसे पहले चालू देखें, हेलो, सबसे पहले हम देखेंगे कि रोग क्या है। रोग क्या है, आज हम पूरी दुनिया जिसको रोग मानते हैं, वो रोग है, वो हमारा शत्रु नहीं है, वो सही में बताए तो वो हमारा मित्र है। कैसे? जब हमें पेट में गैस होती है, मतलब गड़बड़ होती है, तो उल्टी होती है या जुलाब हो जाता है, तो ये उल्टी और जुलाब होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं झाड़ा। झाड़ा हो गया, अरे यार मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इसको बंद नहीं करूंगा तो मुझे सबोगेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसे साइंस के वर्ड्स हमारे दिमाग में आने लगता है। और सबसे बड़ा खतरा यूट्यूब का है यार, इतने लोग आए गए हैं और बस देखते रहो सुनते रहो सबकी बात, मैं मानना नहीं मानना, कैसे खाए कैसे दिए, ये गड़बड़ में अभी हम आ गए हैं। तो ये जो पेट साफ हो गया 2-3-4 बार 6 बार, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी असहज स्थिति आ गई। लेकिन ये बात अंदर से मल निकल रहा है, वो अच्छा निकल रहा है या खराब निकल रहा है? मल निकल रहा है पेट में से, वो अच्छा निकल रहा है या खराब निकल रहा है? निकल रहा है, वो खराब निकल रहा है, लेकिन वो निकलने की जो प्रोसेस है जिसको हम रोग बोलते हैं, वो सही है या गलत? सही है। प्रोसेस सही है, अंदर से निकल रहा है माल, वो भी भले खराब निकल रहा है, लेकिन उनका जो सिस्टम बनाया बॉडी ने, डेवलप किया। आपने सुना होगा शादी ब्याह में गलत भोजन आ गया, कई जहरी वासी भोजन आ गया, कोई दूध की आइटम खराब आ गई, तो 50 लोग ने खाया था तो सबको वो हो गया, सबको ये हो गया, सब दुबान हो गए। क्यों? शरीर ने वो भोजन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने उसको निकालने का शुरू कर दिया, जिसको हम क्या बताते हैं? रोग। तो सही में रोग नहीं, कोई रोग रोग नहीं है, सब भोग का परिणाम क्या है, हम जो भोग भुगत रहे हैं उनका एक परिणाम। अभी हमारी 60 साल की उम्र में हम सोचते हैं, पहले तो मैं इतना खाता था, पहले तो मैं इतना ताकत वाला था, पहले तो मैं इतना काम करता था, तो ये पहले पहली वाली बात का जो अंदर सोच के बैठे है ना, वही हमें परेशानी में डाल देता है। तो उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से अभी भोजन बदलेगा, बदलाना ही चाहिए। और जो भी भोजन खा रहे हैं, इसमें अगर हमको लगता नहीं है कि हम स्वस्थ है, हम मस्त है, हम आनंद से जी रहे हैं, आनंद से अपना काम कर रहे हैं, सोते हैं तो नींद आ जाती है, उठते हैं तो अंदर इतनी एनर्जी भर जाती है, तो समझ लो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको टॉयलेट में बैठे और आप 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में अपना पेट साफ हो गया तो समझ लो आप सही हो। जितनी बार खा रहे हो उतनी बार आप टॉयलेट जा रहे हो। बच्चे को भी आज माता जी क्या करती है, बच्चे की माता उनके पीछे लगी रहती है, क्या खा खा, खाता नहीं है, डॉक्टर दवाई दीजिए खाए, ऐसा बॉडी वाला बनना चाहिए। लेकिन दिन में जाता कितनी बार है वो नहीं देखती है। अक्सर मैंने सुना है माताओं के पास 3-3 दिन बच्चे टॉयलेट नहीं जाते, क्यों? दिन भर जितना खिलाते हो वो एक तो गलत है, दूसरी बात भूख नहीं है, फिर भी आप डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो। तो इस हिसाब से आज हमारे बच्चे बीमार है, और एनिमल के बच्चे आप जाते हो कहीं फार्म वार्म में कहीं घूमने तो आप देखते होंगे, वो भेड़ बकरिये के छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मस्ती से खेलते हैं, और हमारे बच्चे रात को सोने नहीं देते हैं, दिन को शांति से बैठने नहीं देते, क्यों? अन वैसा मन, अन वैसा मन और अन वैसा तन,
जैसा अन्न खाया वैसा मन बन गया, जैसा अन्न खाया वैसा उनका बॉडी भी बन गया। चश्मे के नंबर आज हर बच्चे के पास, तो हमने प्रगति किया है या अधोगति में जा रहे हैं वो हमें सोचने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी प्राणी है, पशु है, पंखी है, वो बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते, कुछ भी कितना अच्छा अच्छा डालो, हरा हरा डालो, वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। और हम लोग क्या करते हैं कि सर्दी हो गई है तो बताएंगे कांदे के गरम गरम प्याज के भज्जे बनाओ, है गरम गरम सूप उबाल के बनाओ, कुछ ऐसा खाए गरम गरम सर्दी टूट जाए। अभी यंग बच्चे तो वो बोलते हैं कि थोड़ा दो पैक मार देंगे तो सर्दी चला जाएगा, और कोई अभी बच्चे यंगस्टर्स बोलते हैं अंडे खा लेंगे तो सर्दी चला जाएगा, लेकिन सर्दी किसी की गई नहीं। तो जो भी रोग है वो अंदर से मल बाहर निकल रहा है। ये हमने जुलाब की बात की, अभी देखो सर्दी में क्या निकलता है, चिकना चिकना मल। हम जो घी खाते हैं वो कैसा होता है, है? तेल खाते हैं वो कैसा होता है, जो आटा खाते हैं, दाल दलिया खाते हैं, लोट आवालोट आटे वाली चीज खाते हैं, वो सब कैसी होती है, चिकनी। दिन भर में मैक्सिमम चीज डालते हैं मुंह में पेट में, वो कैसी होती है, चिकनी। तो ये चिकनी चीज को बॉडी को जरूरत नहीं है, रखनी नहीं है, तो क्या करेगा, उसको बाहर फेंकेगा। उसको हम क्या बताते हैं, सर्दी खांसी। क्या हो गया, सर्दी खांसी। क्या करते हैं हम, डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर आते हैं, पर उस सर्दी खांसी को जुलाब हो गया है उनको कहां बिठा देते हैं, कहां दबा देते हैं, शरीर के अंदर। बाद में 4-6 महीने के बाद वो क्या करता है, उसको वापस निकालने की कोशिश करता है, या फिर वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ेगा, अंदर पड़ा पड़ा क्या करेगा, सड़ेगा। और वो सड़ने के बाद कोई क्रॉनिक डिसीज में, असाध्य रोग में हमको डाल देगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसका बहुत अच्छा रास्ता बताया है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं रोग क्या है। बुखार आता है तो बुखार को हम क्या बताते हैं, चलो रिपोर्ट करवाओ, कोलसा बुखार। शरीर को मालूम है, डेंगू है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, शरीर को मालूम है नहीं, लेकिन हम रिपोर्ट करवा के हमारा जो हाव है, डर है, उनको कैसा कर देता है, बढ़ा देते। और डॉक्टर का तो नियम है, वो तो आपको पहले ही बोल देंगे, अभी आपको बोतल चढ़ानी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद दूसरा रिपोर्ट कर लो। तो हम ये रिपोर्ट के चक्कर में, दवाई के चक्कर में फिर ऐसे फंस जाते हैं कि उसमें से बाहर निकल नहीं पाते। तो कोई भी बुखार है ना, वो बॉडी के अंदर ऐसा मल है जो जुलाब में से नहीं निकल रहा है, सर्दी जुकाम में से नहीं निकल रहा है, पसीने में से नहीं निकल रहा है, उनको वो अंदर गर्मी से पिघा लेगा या जलाएगा और शरीर को स्वस्थता प्रदान करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करके वापस वो बुखार को भी क्या कर देते हैं, अंदर दबा देते हैं। तो खाना खाकर या दवाई लेकर हम अक्सर रोगों को क्या करते हैं, दबाते। तो ये प्रोसेस जो है दवाई लेकर रोगों को दबाने की, ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, 70 साल 50 साल 80 साल पीछे जाओ आप, सूरत में मुझे लगता है ज्यादातर सब सूरत के रहने वाले ही हैं, ज्यादा साल से
तो देखा होगा यहाँ अभी जो खान पान चल रहा है वो 40-50 साल पहले था। इतना खान पान था, इतने अस्पतालें थी है? और आप सबने व्यवहार में देखे होंगे, कोई काम वाले रखे होंगे, ये रखे होंगे, तो कितने अच्छे से करते थे। अभी तो सबको क्या करना है, काम चोरी, दान चोरी, जो भी कुछ जल्दी मिल जाए ऐसी किराक में पड़े है। और तो हमने एल्थ में भी ये कर दिया कि अभी देखो एलोपैथी लेंगे ना आप, तुरंत सिर दर्द चला जाएगा, सिर दर्द तुरंत चला जाएगा। लेकिन वो यहाँ चला गया, अंदर पेट में तो है। हर रोग की जड़ कौन है? पेट है। पेट सफा तो रोग दफा। लेकिन आज हम पेट साफ होने की बात कहाँ देख रहे हैं, हम तो भरने में लगे हैं। उठने के बाद नाश्ता 10 बजे वापस कुछ खवन बवन ढोकला लोचा मिल गया तो खा लेंगे, 1 बजे वापस खाना, 4-5 बजे वापस कुछ नाश्ता, रात को 8 बजे वापस खाना, और कुछ पेट में जलन हो गई तो रात को 11-12 बजे आइसक्रीम मंगवाते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए। है कि नहीं ये शेड्यूल हमारा? तो आज हम थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे जो भी भगवान हो गए हैं उसका हम मानते हैं नहीं मानते हैं वो दो नंबर की बात है, खाली छोटी छोटी बात है थोड़ी देखने जैसी, वो हम बताएंगे कि शंकर भगवान ने नंदी को क्या कहने के लिए भेजा था। पृथ्वी के ऊपर जाओ और मानव को समझाओ, मैसेज दे के आओ, बताओ, एक बार खाओ, तीन बार नहाओ। तो हम बता रहे हैं कि नंदी ने क्या कर दिया, तीन बार खाओ एक बार नहाओ। आपको लगता है नंदी गलती कर सकता है? नहीं, हम स्वार्थी लोग हैं, नंदी को बलि का बकरा बनाया हमारी मजा करने के लिए, किसको दोषी ठहराया? नंदी को, और बेचारे को बैल भी बना दिया हमने बाद में, तो इतनी खेती बाड़ी करवाई, समझ रहे? हमने खाना खाने की तमन्ना को जगाने के लिए नंदी को दोषी ठहरा दिया, और शंकर की बात कैसे कर दी, उल्टी कर दी। और तीन टाइम का आज कितने टाइम खा रहे, छह टाइम आज कितने टाइम खा रहे सब, छह टाइम। तो गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, है? बीमार पड़ रहे हैं वो सही है या गलत है? कोई लोग बताते, अरे भगवान मेरे पीछे कैसे पड़ गया, कैसे कर्म कर दिए मैंने, कभी मैंने तो किसी का इतना सा नहीं लिया, किसी को गाली भी नहीं दी है, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं किया है, फिर भी मेरे को डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। तो वो होना है, हो गया है हमारे गलत खान पान से। तो शंकर की बात छोड़िए, अभी हम कृष्ण को लेते हैं। गीताजी ने क्या बताया है, अहम पेशवा नरो भूतवा प्राणिनां देह आश्रित प्राण पान समाहित पंचाम अनम चतुर्विदम। मैं अंदर, हम सब बोलते हैं ना भगवान कहाँ है, अंदर। तो अंदर रह के मैं चार प्रकार के अन्न पचाता हूं, कौन सा? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। क्यों मैं भक्ता पेशती, जो मुझे भक्ति और भाव से हरिपतिया देंगे, हरिपतिया भोजन में देंगे। पुष्प, पत्रम के बाद क्या आता है? पुष्पम। पुष्पम का मतलब कि जो भी ककड़ी है, लौकी है, टमाटर है, पहले क्या होता है? पुष्प होता है, बाद में उसमें से सलाद बनते हैं, मतलब कि उनका वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल बनते हैं। तो इनको भी कोई मुझे भक्ति और भाव से देगा तो उनका मैं खून बनाता हूँ, उनकी मैं हड्डी बनाता हूँ, उनका मैं कैल्शियम बनाता हूँ, जो भी शरीर को जरूरत है वो उनसे मैं बनाऊंगा। मुझे नहीं मालूम है दाल भात रोटली खिचड़ी कढ़ी ये सब में से कैसे बनता है, इसलिए हमको बीमारी अभी शुरू हो गई है। पत्रम के बाद, पुष्पम के बाद है फलम। फल है वो हम कब खाते हैं? भरपेट खाना खाने के बाद। हम भोजन समझ के पेट भरने के लिए कोई फल अभी नहीं खा रहे हैं। तो लास्ट में है
तोयम पानी, उनको आप उठ के पीते हैं, जरूरत है नहीं है, डॉक्टर ने बताया है, साइंस ने बताया है 6 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। तो दिन भर ठुस 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 खाना भी डालते रहते हैं, पानी भी डालते रहते हैं, और पेट जो है ना उनको तो सब कुछ पचाने में अपनी बॉडी का व्यय शक्ति का व्यय करना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा हम दोपहर को शादी में ब्याह में कोई बड़ा हैवी भोजन लेके आते हैं तो कितना अंदर हमको आलस आती है, नींद आती है, 4 बजे जलन हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, क्यों? रोज के हिसाब से कैसा खाना खाया है, ज्यादा है। तो ये हुई, कृष्ण भगवान ने बताया हरी पत्तिया खाओ। बताओ मुझे कितने लोग दिन में हरी पत्तिया का भोजन में उपयोग कर रहे हैं, चलो उंगली ऊपर करके बताओ, भोजन समझ के कितने लोग दिन में हरी पत्तिया खा रहे हैं? लेकिन कभी कभी वो जो गाढ़ी बनती है, मैं बोलता हूँ हरी पत्तिया कच्ची खानी है, वो उबाल के नहीं, पान खाता था चमची, अब मावो खाता थी। तो एक अंकल ने आज ऊपर किया है, ठीक है, उसके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे आप, उसको भी कोई मेरा जैसा हो गया मिला होगा, फिर दिमाग का तो शुरू हो गया होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कितने सब बाद में आप लास्ट में कर देना, कितने फल है सलाद है उनको हम हमारा आंतों का पेट का कुदरत ने निर्माण किया हुआ भोजन समझ के खाते हैं। दिन भर में सलाद फल हम हमारा ये भोजन है यही खाना चाहिए, ये समझ के कितने लोग खा रहे हैं? 4-5-6 लोग है। हाँ नहीं, मेरा शब्द क्लियर है कि आप भोजन समझ के खा रहे हैं ये बात मैं बता रहा हूँ। वो हम अक्सर क्या करते हैं, दाल चावल रोटी खा लिया और अभी बोलेंगे थोड़ी प्यास लगी है तो लाओ तरबूज ठंडा ठंडा काट के फिर खाते हैं तरबूज, सर्दी की सीजन में पपीता बाद में खाना खाने के बाद खाते हैं। एक तो आयुर्वेद बताता है कि ये पकाया भोजन खाने के बाद कोई सलाद फल नहीं खाने चाहिए, क्यों? सिंपल लॉजिक है, पकाया हुआ भोजन है, आटा है, दाल चावल है, उनको पचने में 8-10 घंटा लगता है, और वो आप तरबूज पपीता खा लिया उनको पचने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, तो जो पाचन हो गया है वो पीछे डाला है, उनको कहाँ जाना है, उनको कहाँ जाना है, आगे। लेकिन आगे क्या डाल दिया है आपने, रास्ता बंद कर दिया है उसका, इसलिए फिर हमको वो आती है तो गैस छूटती है मुंह से और वो मल फिर अंदर जमा होता है तो पीछे से भी गैस छूटती है। तो हमने क्या बोल दिया, गैस छूटती है तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है सही में, वो अंदर पैदा क्यों हो रही है वो सोचो का। हमारे यहाँ कचरे का ढेर लगाया है और यहाँ फूलों का ढेर लगाया है तो बदबू कौन फेंकेगा, कचरे का ढेर फेंकेगा, और यहाँ से क्या आएगी, खुशबू आएगी, तो अंदर से गैस निकल रही है वो किसका परिणाम है, अंदर आंतों में। आज हमारी जो माता जी साड़ी पहनते हैं ना उनसे भी 1 मीटर लंबा हाथ आता है, कितना, 7.5 मीटर का हाथ आता है, उसमें से ये जितने भी चिकने चिकने हम खाना देते हैं वो अंदर से पास होता है, और उनको पाचन करने का तो भगवान ने कोई रस बनाया नहीं है। वड़ा पाव पाचन हो जाए, पिज्जा पच जाए, ये दाल चावल पचे, ऐसा भगवान ने कोई रस नहीं बनाया, इसलिए आज कैल्शियम किसको कम पड़ रहा है, कैल्शियम किसको कम पड़ रहा है, हाथी को, गाय भैंस को, या हम लोगों को, बैल है वो खेत में दिन भर कितना चलता है, लेकिन उसके साथ किसान भी चलता है, दोनों में से किसके पैर दर्द होते हैं, किसके घुटने घिस जाते हैं, कौन थक जाता है, और सबसे ज्यादा महंगा खाना कौन खाता है, 800-1000 रुपये का किलो घी कौन खाता है, और गाय भैंस को तो हम कितने रुपये का किलो वाला खिलाते हैं, 5-10 रुपये का किलो मिलता है, समझ रहे,
जो सीधा खा सके वो उनका भोजन। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ईश्वर ने पहले भोजन बनाया। सृष्टि ने पहले क्या डाला पृथ्वी के ऊपर? भोजन, वनस्पति या प्राणी। बाद में उनको खाने वाले बनाए और उसको डाला। जब बारिश होती है तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? क्या होता है? घास फूस हरे पत्तियां, कितने भी अब उगाया नहीं उगाया फिर भी वो तो होता ही है। किसके लिए हो गया? जो भी शाकाहारी प्राणी है उसके लिए। आज हमको तो मालूम ही नहीं है शाकाहार क्या है, मांसाहार क्या है, शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है। ठीक है, क्या? हाँ ठीक है। तो शंकर भगवान ने बताया एक टाइम खाओ, कृष्ण ने बताया क्या खाओ? अत्र पुष्प फल जल। और हनुमान जी ने क्या खाया? हनुमान जी ने जंगल में क्या खाया था? फल। और कितनी ताकत थी? कितनी ताकत थी? कम थी या ज्यादा थी? और आज भी बंदर जंगल में क्या खा रहे? और हम बताते हैं कि वो हमारे पूर्वज है, तो पूर्वज का खाना क्या है और हमारे उनके बच्चों का खाना क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? पिज्जा बर्गर फास्ट फूड होटल का खाना बाहर का खाना पैकिंग फूड कुरकुरे फुरफुरे चुरचुरे मुरमुरे खाते रहते हैं और बाहर में परेशान होते रहते हैं। तो ये हो गई हमारे चार मुख्य भगवान ने बताई हुई बात। मानने में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, साइंस के हिसाब से भी हमारे पास है लॉजिक कि यहां हमने रखे हैं फल रखे हैं एक डिश में, दूसरी डिश में हमने रखे हैं पत्तियां हरे पत्तियां, दूसरी तीसरी डिश में रखे हैं मूंग चने गेहूं बाजरा ज्वार मक्का उनके दाने रखे हैं कच्चे, और बाकी एक बाउल में मांस भर के रखा है और एक बाउल में पेड़े लड्डू हलवे ये सब मिठाई रोटी चावल दाल दलिया फास्ट फूड ये सब रखा है। और अभी हम पूरी सृष्टि में से 84 लाख जीव है उसमें से हम पहले बुलाएंगे चिड़िया को, तो चिड़िया कहाँ मुंह मारेगी? चिड़िया कहाँ मुंह मारेगी? दाने में। सीधा खाएगी कि रोटी बनाएगी? चिड़िया है वो सीधा दाने खाएगी कच्चा या उसकी रोटी बनाने जाएगी गाठिया फाफड़ा बनाने जाएगी? सीधा खाएगी। बाद में हमने बुलाया गाय को भेड़ बकरिया को तो फल में भी थोड़ा बहुत मुंह मार सकते हैं, हरी पत्तियां ज्यादा पसंद करेंगे। क्या पसंद करेगी? ज्यादा। और आगे जाके वो दाने है वो दाने में मुंह मारेगी नहीं, और आगे और मांस है वो मांस में भी वो मुंह मारेगी नहीं, और आगे और दूध है लड्डू है मिठाई वो उनमें मुंह नहीं मारेगी अगर ये मिल गया है तो। और जंगल में तो कौन उसको लड्डू खिलाने जाएंगे? हमारे घर में बांधी है उनको हम बचा हुआ माल खिलाते। बाद में शेर आया तो वो फल खाएगा? वो पत्ते खाएगा नहीं, वो दाने खाएगा नहीं, वो नॉनवेज का डिब्बा आ गया चलो टूट पड़ेगा कि वो भी पकाने जाएगा नहीं, सब सीधा खा रहे। अभी मानव की बारी आई, मानव आया फल खाएगा पत्तियां भी खाएगा दाने भी डायरेक्ट नहीं खाएगा, आटा बनाएगा खिचड़ी बनाएगा चावल बनाएगा, और मांस आया नॉनवेज आया उनको भी खाएगा फ्राई करेगा पापड़ बनाएगा आमलेट बनाएगा कुछ न कुछ कितने आइटम बनाएगा वो खाते होंगे उनको मालूम होगा। और बाद में दूध आया दूध भी खाएगा, दूध बिगाड़ के क्या करेगा दही बनाएगा,
दही बिगाड़ के क्या बनाएगा? छाछ बनाएगा, और छाछ में से क्या निकालेगा? मक्खन, घी। तो हमने क्या गलती की? जो हमारा था वो भी खाया, हमारी हाथों का नहीं था वो भी खाया। तो इसलिए आज हम बीमार है, हमारी अस्पतालें है, हमारा आयुष्य है वो लंबा था, वो भी अभी कम हो गया, कम होता जा रहा है, या जी रहे हैं तो बीमारी लेके जी रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ये सब कुछ गलत भोजन डाला है, पका पका के हमारा नहीं था हाथों का वो भी डाल दिया, तो उसको निकालने के लिए आयुर्वेद ने बताया है उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। नहीं फास्टिंग से रहा जाता है तो जूस पे रहना चाहिए, और जूस से नहीं रहा जाता है तो सलाद पे रहिए, सलाद से नहीं रहा जाता है तो फल पे रहिए, और फल से नहीं रहा जाता है तो अंकुरित दाने खाओ। अंकुरित खाना है, रोटी दाल चावल बना के कहीं बात हुई नहीं है। और अगर आप स्वस्थ हो और थोड़ा बहुत मन हो रहा है तो शाम को सूप बना के या वेजिटेबल ये कोच करके आप खाना खा सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम नई भोजन प्रथा। और बहन को जाना है तो बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा ये समझना है तो मैं पहले ले लेता हूँ। हमने गलत भोजन खा खा के हमारी आंतों को क्या कर दिया? पूरा भर दिया। आंतों को क्या कर दिया? पूरा भर दिया। सब मल चिकना चिकना है, वो आंतों में चिपक गया, इसलिए हम थोड़ा सा ये साथ में सपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। क्या? ये संजीवनी क्रिया। थोड़ा फॉर्म घुमा दो, गिर जाएगा। तो ये संजीवनी क्रिया है, इसको साइंस में बताते हैं एनिमा बॉट। ये कोई प्राणियों को नहीं करवाना पड़ता है, ये हम मानव को ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने गलत भोजन लेके हमारी आंतों को खराब किया है, और आज हमको क्या करना है? पेट को साफ करना है। तो क्या करेंगे? जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? मुंह में पानी डाल के कुगला करते हैं। तो बस यही कुगला हमको कहाँ करना है? आंतों में, आंतों में पानी डाल के आंतों में कुगला करवाना है, जिससे वो इतना अंदर से खतरनाक भोजन निकालेगा, गैस, एसिड, चिकना चिकना मल, कफ, ये सब कुछ पीछे से निकालेगा और पेट हो जाएगा साफ। फास्टिंग करेंगे तो प्यास नहीं लगेगी। अगर ये कर दिया तो आपको मुंह से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आज सुबह में नहीं खाना खाया है, मतलब कि हल्का हल्का लगेगा। तो इसलिए सपोर्टिंग के लिए 20 दिन को एक अच्छे से करना है। इसके अंदर सादा पानी भर दो, जो टॉयलेट में आ रहा है वही पानी भरना है। इसका नाम हमने रखा है संजीवनी क्रिया, क्योंकि ये हमारा अंदर का जो आज खराब हो गया है उसको अच्छा करके हमें अच्छा जीवन प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? संजीवनी क्रिया। वो संजीवनी जड़ी बूटी थी ना, ऐसे अभी हम नीचे टॉयलेट में बैठे हैं या लेटने की जगह है तो लेट के भी कर सकते हैं, लेट के करना सबसे अच्छा है। टॉयलेट में पैर को थोड़ा सिकुड़ मुकुड़ दो और पेट को एडजस्ट कर दो, और यहाँ हमारी आंत होती है ना, उनमें तीन साइड इतने खड्डा होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और आकाश की ओर, ऐसे अंदर आंतों में तीन भाग होते हैं ऐसा। तो उनको तीनों को साफ करने के लिए शुरू शुरू में 15-20 दिन हमको लेफ्ट साइड सोके पानी भरा, ये पंप चालू करो, और ये जो है पाइप वो 2-3 इंच हमारे गुदा द्वार में, मल द्वार में धीरे धीरे फंसा दो। तो अभी पानी कहाँ जाएगा? अंदर आंतों में जाएगा और पूरा बॉडल चढ़ जाए, बाद में एक बाहर निकाल दो पाइप को, और पानी को 1-2 मिनट यहाँ अंदर ऐसे ऐसे करके घुमाओ, और फिर आप
तो टॉयलेट टब के ऊपर बैठ जाओ तो पूरा मल जो है वो एक दो सेकंड में ही निकल जाएगा। और इतना खराब, आप सुबह में टॉयलेट जाने की आदत है, लेटरिन जाने की, तो जाओ और बाद में ये लगाओ और वापस देखो कितना निकालता है, तभी मालूम पड़ेगा कि जितना खा रहे हैं वो पूरा बाहर निकलता नहीं है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, पेट साफ नहीं आ रहा है। ये हमको लगता है कि आ गया, लेकिन देखो आप गाय भैंस भेड़ बकरियां देखेंगे ना, वो खाती रहेगी और जाती रहेगी, खाती रहेगी और साथ साथ में जाती रहेगी, मतलब पेट में वो अंदर इकट्ठा नहीं करेंगे। और हम तो कॉलर टाइट करते हैं, हम तो सुबह एक बार अच्छे से जाते हैं बस। अरे अच्छे से क्या जाते हैं, कोई बाहर खड़ा है उसकी ट्रेन भी चली जाएगी, ऐसा अच्छे से जाते हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। एक लोग टॉयलेट साफ, अपना पेट साफ करने में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं आराम से। तो ये एक दो तीन सेकंड में, पांच सेकंड में अगर पेट सफाई आती है, दिन में जितने बार खाते हैं उतनी बार अगर पेट साफ हो रहा है तो समझ लो बराबर है। तो ये सुबह में तीन साइड में आप करो, उसका एक राउंड सुबह में और एक राउंड शाम को, 20 दिन ये करना है। छोटे बच्चे हैं तो पानी आधा लेना है, खाने के एक घंटे दो घंटे के बाद करो तो अच्छा है, और नहीं ऐसा लंबा टाइम मिलता है और करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर को भी करना है, टाइम मिला है, सुबह नहीं मिला है तो दोपहर को भी आप कर सकते हो। पेट साफ करना कौन सी बुरी बात है, बिगाड़ा है, अब घर में मेहमान है, पूरी बनाया, भजिया बनाए, खाना बनाया, तो फिर लेडीज को घर साफ करने में उनको लिक्विड डालते हैं, पाउडर डालते हैं, फिर सफाई करते हैं हर रोज की जगह पर, यहाँ टाइम टाइम और सब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल भोजन है, अगर तरबूज काट के डिश साफ करनी है तो तरबूज, हमने तरबूज काट दिया वाटरमेलन और उसको डिश में डाला, खाया और उसको सफाई करनी है तो एक दो सेकंड में हो जाएगी। लेकिन ये पकाया हुआ भोजन है ना, उसमें टाइम भी ज्यादा बिगड़ता है और खाने के बाद अंदर पाचन में भी ज्यादा टाइम बिगड़ता है। तीन दोस्त है, एक दोस्त ने दोपहर को शादी का भोजन खा के आया है, दूसरा दोस्त है वो घर का दाल चावल रोटी खा के आया है, और तीसरा दोस्त है वो तरबूज टेटी गन्ने का जूस पी के आया है। तो तीनों में सबको 2 बजे घूमने जाना है बाहर, धूप में, इतनी धूप में 2 बजे बाहर जाना है, तो तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा परेशान कौन होगा, जो शादी का हैवी भोजन खा गया है, और उससे खराब, उससे थोड़ी थोड़ी अच्छी हालत किसकी होगी, घर का खाने वाला। और सबसे मजा कौन करता है, तरबूज और टेटी। देखा आपने, तीन महीने दो महीने के बाद फ्रूट की लारी में फ्रूट का मेनू बदलता है, किसके लिए बदलता है, किसके लिए बदलता है, हमारे लिए। लेकिन हम तो उसको भोजन मानते नहीं है। आज सबका अनुभव होगा, घर पे बच्चे हैं वो केले खाएंगे, लेकिन केले का व्यापार हम तो 1 किलो लेके एक दिन में खा जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग किसने दी है, हमने, ये रास्ता किसने चयन किया है, हमने दिखाया भी हमने। तो ये सुबह शाम दो टाइम करके, शुरू शुरू में 20 दिन और बाद में 10-20 दिन करो, एक एक टाइम सुबह शाम, और बाद में हफ्ते में एक दो बार करते रहो और अपना भोजन थोड़ा चेंज कर दो, लाइफ टाइम आप बीमार नहीं पड़ोगे। और जब मरने का वक्त आएगा तो बैठे बैठे राम राम करके मरोगे, ये मेरा अनुभव है, खुद नहीं मरा हूं लेकिन घर के लोग मरे हैं इस सिस्टम में। आपको लगेगा तो अनुभव तो है नहीं आपको, लेकिन अनुभव है, घर के लोगों का अनुभव है। इसलिए अगर जीना नहीं है अच्छे से कोई बात नहीं, खाना छोड़ के नहीं जीना है कोई बात नहीं, मरना अच्छे से है डॉक्टर की हेल्प के बिना तो खाना बदलना पड़ेगा। या फिर किसी को कॉन्फिडेंस है तो नो प्रॉब्लम,
है किसी को कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने रास्ता सही चयन किया नहीं है। पूरी दुनिया में कितने एनिमल्स है, पंछी है, मछलियां है, नेचुरल डेथ होती है, पर हम लोगों को पैसा देना पड़ता है मरने के लिए भी। इंजेक्शन चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं, वो वेंटिलेटर पे रखते हैं, कितना कितना खेल खेलते हैं, और बाद में फिर भी हाथ में क्या आता है, बिल, अस्पताल का बिल। और डॉक्टर बताते हैं थोड़ा घर पे जितनी सेवा हो सके उतनी करो, अभी कुछ रहा नहीं, जितना लेने जैसा था ऐसा हमने ले लिया। उनका भी प्रदोष नहीं है, उनको क्या सिखाया है साइंस ने, रोग हुआ मारो, रोग हुआ मारो, ये हुआ ये दवाई देके मारो, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर उनको भी सही सिखाया होता तो वो सही करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो जहां पर भी दोष है ना, वो हमें सिखाई गई गलत शिक्षा का परिणाम है। तो इस तरीके से हमने विमान होने का रास्ता पसंद किया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे बदलाव लाए। डायरेक्ट पूरा बदलना असंभव है, आप चाहेंगे तो भी घर पे शक्य नहीं बनेगा, समझ रहे। इसलिए हमने क्या किया कि जो भी मस्त मजा करनी है, रोटी दाल चावल जो भी कुछ खाना है, पकाया हुआ कुछ भी खाना है भोजन, वो कब खाओ, रात को खाओ। क्यों रात को खाना खाने, देखो दुनिया में इतने कितने मतांतर पड़े हैं कि सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को क्या बोलते हैं नॉर्मल भोजन खाओ, और रात को थोड़ा भिखारी जैसा हल्का सा खा लो। कोई बोलता है सुबह में मत खाओ, मैं इसलिए पहले बताया कि कितने लोग नचाने वाले है, अभी हमको कहाँ नचना है वो हमें तय करना है, ठीक है। तो अभी ये प्रयोग तो कर लिया है ना, आज तक खाना सुबह का तो बढ़िया खा लिया है, अभी 20 दिन खाली लेना है, कितने दिन, 20 दिन मॉर्निंग में एक टाइम का छोड़ना है, और जब दोपहर को हम शुरू करें खाना तो हरी पत्तियों को खाना है, तो वो खा नहीं सकते है, आज तक नहीं खाया है, तो हमने उसका बहुत अच्छा रेसिपी बनाया है, पालक के पत्तियां थोड़ा, उसमें अभी आम का सीजन है तो थोड़ा सा कच्चा आम डालो, थोड़ा अंगूर डालो, थोड़ा अदरक पुदीना डालो, और थोड़ा लौकी डालो, बाद में मिक्सी में क्रश करके उनमें थोड़ा जीरा नमक डाल के, आप थोड़ा ठंडा बनाना है तो ठंडा भी बना लो और मजे से पियो। स्वीट बनाना है तो अंगूर डाला है ऑटोमेटिक स्वीट बन जाएगा, अंगूर का सीजन नहीं है तो अंगूर डाल दो, हल्का सा गन्ने का जूस डाल दो, मीठा हो जाएगा। तो ऐसा हरा पत्तियों का जूस दोपहर को 12:30, 1 बजे, 12 बजे जब लगता है कि बहुत भूख लगी है तो ये जूस पी लेना है। बाद में वापस भूख लगती है तो 1 घंटे के बाद सलाद फ्रूट्स ये सब कुछ चबा चबा के खाना है। देखो आज हम जितना भी खाना खाते हैं ना, एक सिंपल लॉजिक बताओ, गरम गरम भजिए खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं लारी के ऊपर, कितने लोग चबाते हैं बताओ, कितने लोग चबाते हैं, नहीं एक आया दो आया तीन आया खा लो, पर किसी की पार्टी है तो टूट ही पड़ो, आज तो छोड़ेंगे नहीं इनको, वो तो कुछ नहीं होगा, जो होगा वो किसको होगा, प्रॉब्लम होगा वो किसको होगा, खाने वाले को, डालने वाले, उनका तो पैसा खर्च होगा लेकिन हमारा क्या खर्च होगा, शरीर जीव की शक्ति खर्च होगी। तो इसलिए हमको सुबह से उठने के बाद दोपहर को हरी पत्तियों का जूस, और दूसरा हरी पत्तियों खाने के लिए हमको अभी आदत नहीं है तो क्या करते हैं, उसका घोल बनाते हैं, चटनी, हरी चटनी बनाते हैं, थोड़ा मूंगफली डाल के, पालक आम नींबू नमक अदरक मिर्ची सब डाल के आप बढ़िया चटनी बनाओ और ककड़ी टमाटर के साथ खाओ, इतना मजा आ जाएगा कि आपको लगेगा नहीं कि मेरे को दाल चावल की आवश्यकता है। और हम तो इनकी इतनी वैरायटी भी बनाते हैं, उनका मैं बुक भी पीछे लाया हूँ, रेसिपी बुक लाया हूँ, वो आप देख के उसमें से भी भरे टमाटर है, भरे मिर्चे है, इसे सब वैरायटी बना सकते। तो सुबह उठने के बाद दोपहर तक फास्टिंग किया, दोपहर को जूस पिया, बाद में ऐसा चटनी सलाद बना के खाया, 4 बजे भूख लगती है, प्यास लगती है तो आप गन्ने का जूस 1-2 ग्लास पी लो,
अच्छा बहुत मिल रहा है सूरत में तो गन्ने का जूस, और शाम को टेटी तरबूज ये सब 6 बजे एक डिश बना के खा लो, और रात को 7-8 बजे नॉर्मल खाना खा लो। 7-8 बजे के खाना बाद में खाना बंद, पीना बंद, और 9-9:30 बजे आराम से सो जाओ। फोन को परेशान मत करो, फोन को परेशान नहीं करना है तो हम भी परेशान ऑटोमेटिक नहीं हो। ऐसा शेड्यूल अगर बना लिया तो समझ लो कि कभी बीमारी अपने पास आएगी नहीं। दवाई चल रही है उन लोगों को क्या करना है कि सुबह की दवाई है वो दोपहर को जब जूस पीते हैं ना तब लेनी है। सुबह की दवाई है वो दोपहर को जूस पीते हैं तभी लेनी है, और शाम की दवाई शाम को लेनी है, और 3 टाइम की है तो बीच की जो दवाई है वो 4 बजे लेनी है। तो हो गया 3 टाइम, 1 बजे लो, 4 बजे लो, रात को लो। 1 हफ्ते के बाद वो दवाई को आधा करनी, 1 हफ्ते के बाद वो दवाई को कितनी करनी है आधी, और दूसरे 1 हफ्ते के बाद 1 दिन आधी लो, दूसरे दिन नहीं लो, 1 दिन आधी लो, दूसरे दिन नहीं लो, और दूसरे चौथे वीक 1 महीने के बाद दवाई को क्या कर दो, जीरो। रिपोर्ट करवाते रहो, नो प्रॉब्लम, देखना है, अंधे विश्वास में नहीं जाना। वही तो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, मीठा खा रहे हो, दवाई बंद है और शुगर नॉर्मल आ रहा है, तो अभी बॉडी क्या हो गया, साफ हो गया, अच्छा हो गया, सच्चा हो गया, तो फिर अभी कोई मीठे फल खाने में कोई प्रॉब्लम है। हम तो डायबिटीज वाले को आम पे रखते हैं, भाई अभी 6 जून महीने में आम का शिविर लगाते हैं, दिन भर में 2-3 किलो 4 किलो आम खिलाते हैं। गन्ने के जूस का शिविर होता है, अंगूर का शिविर होता है, खाले अंगूर का जूस डायबिटीज वाले को जितना पीना है उतना आम खिलाते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल आता है रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वहां रोटी नहीं मिलती है, दाल चावल दलिया नहीं मिलता है, दूध दही छाछ चाय कॉफी घी मक्खन पनीर आइसक्रीम नहीं मिलता है, और दिन भर में खा खा करने की आदत है वो भी नहीं मिलती है। वहां तो हमारा चयन होता है कि आपको अभी ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। आप 10-20 दिन प्रैक्टिस करने आए हो, बाद में आपको उन्हें लाया हूं सब रखा है दिखाने के लिए रखा है। एनिमा कोड है ना 170 का है किताब में, सब में लिखा है। और ये जूस छानने का मैं गन्ना जूस छानने का छानना भी मैं लाया हूँ, वो येलो वाला है पाइप वाला, ये वाला, ये आप जूस बनाओ ना घर पे तो ये छानना कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशल हमने अलग से बनवाया है, तो वो भी आएगा वहां है पीछे पड़ा है, वो 60 का है, 60 रुपीज का है। तो देखो ये सब छोटी छोटी आदतें बदलने से बहुत मोटी हेल्थ प्राप्त होती है। जैसे हमने बच्चे का दूध छुड़वाया, जब माता है बच्चों को दूध छुड़वाती है तो शुरू शुरू में बच्चा मना करता है, शुरू शुरू में बच्चा वो बाहर का दूध एक्सेप्ट करता नहीं है, सब माता का अनुभव होगा, पिताजी को मालूम हो नहीं हो अलग बात। तो आप क्या करती थी याद करो, अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी उनको ऐसे पैरों में पकड़ लेती थी, या फिर वो दिखा दिखा कुछ मसाला मुंह में डाल देती थी या सब्जी डालती थी, और बाद में उसको क्या देते थे, दूध, तो पी लेता था। 8-10 दिन के बाद वो सामने से मांगता है, माताजी दूध लाओ मेरा टाइम हो गया, समझ रहे। दाल चावल रोटी भी आपने ऐसे धीरे धीरे आदत डलवा दी, बस। तो इसी तरीके से हमें अभी धीरे धीरे एक एक टाइम का छोड़ना है, सुबह का छोड़ना है, दोपहर का बदलना है, और रात को एक टाइम खाओ। जिनको क्रॉनिक डिसीज है, असर की बीमारी है, या कोई ऑपरेशन का कोई सिचुएशन आ गया है तो उनको पकाया हुआ भोजन बिल्कुल छोड़ देना है। और इसके लिए हमारे 10-10 दिन के 20 दिन के 5 दिन के शिविर भी लगते हैं, उसमें भी आप आके सब खाना प्रैक्टिकल खाके, फास्टिंग प्रैक्टिकल में करके, हमारी निगरानी में ये सब करके आप अच्छे से
इसका अपने जीवन में तालमेल ला सकते हो। और यहाँ सूरत में मैंने एक नेचुरल ऐसा सेंटर भी छोटा सा बनाया है अभी, कि उसमें हम पेशेंट को रख के 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना जितना जैसा पेशेंट है जैसा उसको रख के पूरा हम हमारी निगरानी में उनको भोजन देते हैं और उनको पेट साफ करवाते हैं, उपवास करवाते हैं। तो ये सब आप लाभ कभी भी ले सकते हो। तो अभी वो बहन को जल्दी था तो वो अभी गई, तो अभी थोड़ा सा हमारा ये पॉइंट जो है मैंने बनाया है। तो ये है शाकाहारी प्राणी, ये सब पिक्चर में दिख रहे हैं, वो कौन है? शाकाहारी प्राणी है। तो देखो ये चिड़िया क्या खा रही है? दाना, पकाया हुआ या सीधा? नेचुरल। ये हाथी क्या खा रहा है? केला। कितना ज्यादा देखो, वो धोता भी नहीं है। और हम लोग तो कैंगन वाटर, बिस्लरी वाटर, वाटर के पीछे भी पड़ गए। वो तो रात को शेर पीता है ना, वही पानी सुबह में बकरी आके पीती है, दोपहर को गाय आके पीती है, शाम को चिड़िया आके पीती है, वो सब एक ही पानी में पीते है। और हम तो पानी को भी इतना सेपरेट कर दिया फिर भी बीमार। ये देखो खरगोश है, बंदर है, ये रीछ है, ये हमारे चिंपांजी है, जिराफ है, वो गेंडा है, सब अपना अपना भोजन मजे से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बाद में जी रहे हैं कि नहीं मजे से, किसी को डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कोरोना, ये वो हो गए कुछ नहीं। क्यों? नेचर को नहीं तोड़ा। और हमने क्या किया? नेचर को तोड़ दिया, छोड़ दिया। देखो ये शाकाहार किसको बताते हैं? देखो गाय आई हमारे खेत में और इसने क्या किया? पूरे पौधे को खा लिया। क्या करेगी वो? पूरे पौधे को खा लेगी। तो पौधे में क्या है देखो, उसका छोटी छोटी कली होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं, पान पत्ते होते हैं, ये पूरा थड़ होता है, और जमीन में से ये फूल भी बाहर निकल आता है, तो पूरा ये पौधा वो खा जाती है। तो अगर ये कोई कुछ भी खाया ना तो ये शाकाहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? शाकाहार। ईश्वर ने हर आत्मा को एक आहार के लिए निर्माण किया है, कोई शाकाहार या कोई मांसाहार, कोई दाने के लिए, कोई फल के लिए। और बाद में देखो आज हम जो दूध पी रहे हैं वो किस में से निकलता है? गाय में से, भैंस में से, तो वो कहीं ये पौधे में से निकला कहीं पर? आज दूध पी रहे हैं, दिन भर में दूध, घी, मक्खन, मिठाई खा रहे हैं, वो ये दूध है वो ये पौधे में से निकल रहा है? नहीं। तो हम शाकाहारी है या हम मांसाहारी है, उसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि शाकाहारी प्राणी होते हैं ना, वो लिक्विड पीते हैं तो कैसे पीते हैं? जीभ से चाटते हैं। और हम लिक्विड पीते हैं तो शक करते हैं। गाय भैंस देखा होगा आपने पानी पीते हुए, शक पूरा पानी को अंदर ले लेते हैं। और वो जितने भी शेर है, बिल्ली है, जो भी नॉनवेज खाते हैं ना, वो क्या करते हैं? जीभ से पानी को लेते हैं। उनके नाखून कैसे होते हैं? उनके नाखून कैसे होते हैं? लंबे, मजबूत और चीर फाड़ के वो प्राणी को फाड़ सके ऐसे। और हमारे देखो कितने कोमल है, फल ले सके हाथ में, ऐसे बनाए हैं। और उनकी जो आंख होती है ना वो छोटी होती है, मांसाहारी प्राणियों की आंख कैसी होती है? तो छोटी। और उनका मल होता है ना वो बहुत बदबू मारता है, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं? नॉनवेज। और हमारा उनसे भी ज्यादा बदबू मारता है क्योंकि हमने दिन भर में सब कुछ खा लिया है। तो अगर ये खाएंगे तो शाकाहार है, और इसके सिवा कुछ भी खाएंगे उसमें दूध भी आ गया, दूध संपूर्ण मांसाहार है। और एक आप मिल्क और साइलेंट किलर, नंद किशोर शर्मा का एक अच्छा टॉपिक है डॉक्टर का, वो यूट्यूब में देखेंगे ना तो बढ़िया दिया है उसने, मिल्क और साइलेंट किलर। मिल्क जो है वो हमारा मौत धीरे धीरे करके लाता है। दूध आज हम बहुत पीते हैं
पीना है तो हमारे पास उसका ऑप्शन होना चाहिए, अभी छोड़ना है तो। मानव कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो कोई बदलाव लाने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या है, देखो दूध जो है वो बच्चे का अधिकार है। कोई भी माता को दूध आता है, कब आता है, शादी हुई तो आया नहीं, प्रेग्नेंट हुई तो आया नहीं, जिससे बच्चा पैदा हो गया, दूध रोकना है तो रोकेगा भी नहीं, कम करना है तो कम भी होगा नहीं। तो ये किसकी की गई व्यवस्था है, कुदरत की हुई व्यवस्था, किसके लिए है, बच्चे के। तो गाय का बछड़ा है वो किस, वो उनकी माँ को दूध आया तो वो किसके लिए आया, लेकिन पी किसने लिया, ले किसने लिया, चूरा किसने लिया। आप एक बात समझो, बताओ गाय भैंस को हम दिन भर बांध के रखते हैं, किसने अधिकार दे दिया हमें, 50,000 रुपया दे दिया, क्या हम उनके मालिक हो गए। हम तो सबको बताते हैं कि आपका पगार 50,000 रुपया है, हम आपको 60,000 रुपया देंगे, गाय भैंस की तरह आपको बांध के रखेंगे, पंजाबी खिलाएंगे, चाइनीज खिलाएंगे, जो खाना है खिलाएंगे। बोलो आप निवृत्त होंगे ज्यादा लोग इसमें से, फिर भी कोई एक भी तैयार होगा है तो उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, समझ लो। आप जो भी आज सिटी वाले दूध खाते हो वो कहां से आता है, ज्यादातर तबेले में से आता है। तो तबेले में एक बार जाके देखो गाय की हालत क्या है, भैंस की हालत क्या है, उनके बछड़े को नहीं रखते है, इंजेक्शन दे के दूध ले लेते हैं, बछड़े को नहीं पालते, बछड़े को जाने देते है काट हो क्या बोलते है जो कतल खाना है उसमें जाने देते है। तो फिर माँ का दूध है वो बच्चे के लिए है, बछड़े के लिए है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। लाइफ टाइम मत छोड़िए, 20 दिन तो छोड़ के देखे, खाली कितना दिन छोड़ के देखना है, 20 दिन नहीं खाएंगे दूध की आइटम और देखेंगे एसिडिटी हो रही है या नहीं हो रही है, पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बात मालूम है किसी को कि गाय भैंस की उम्र कितनी होती है, आयुष्य कितनी होती है, 18-20 साल में उनका क्या हो जाता है, डेथ। और हमारा लोगों की आयुष्य कितनी थी, हजारों साल थी पहले, जब तपस्वी जीवन जीते थे तो कितना था, हजारों साल, बाद में कैसे आया, 100, बाद में अभी कितना मारोगे हैं आप जितने बैठे हो ना, वो लक्की हो, बाकी तो आपके फ्रेंड सर्कल में कितने का भी वो मैसेज आ गया होगा है कि नहीं है। तो अभी जितना जीवन मिला है उसको, इतने जीवन को भी अच्छे से सुहागा बना लो, कुदरत को फॉलो करके उनके जो भी दोष हमने इकट्ठे किए हैं वो दोष को जाने दो। दूध अगर पीना है, दूध अगर खाना है तो कौन सा खा सकते हैं, ग्रीन नारियल, श्रीफल, मूंगफली, हरी मूंगफली और अमेरिकन मक्काई, बादाम और सोयाबीन में से भी मिल्क बनता है। तो ये सब जो मिल्क है वो मिल्क है शाकाहार, इसको अगर खाना है तो खा सकते हो, इसका कोई भी आपको आइटम बनाना है तो मजे से बना सकते हो। ये कब्ज भी नहीं करेगा, डायबिटीज भी लाने में मदद नहीं करेगा, बीपी को भी अंदर नियमित नहीं होने देगा। रोगों का कारण, एक डॉक्टर ने बताया है कि आंतों के अंदर इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, आंतों के अंदर ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत में ये सब पॉइंट्स है। उसने बताया कि जहां मल चौटता है, चिपकता है, या जहां आंत सड़ती है, मल सड़ता है, वो रोग लागू हो जाता है। हम क्या करते हैं, खाने में बदलाव, पीछे से पानी डाल के आंतों को क्या करते हैं, साफ, तो फिर रोग कहाँ आएगा बताओ, है तो कहाँ रहेगा बताओ, कोई आप मौका ही नहीं दे रहे हो रोग को अंदर रहने के लिए। आज तक क्या करते थे, कोई रोग हुआ खाने में बढ़ते थे, ये खाओ वो खाओ वो खाओ वो खाओ, शादी है खाओ, कोई मृत्यु हो गई है तो भी खाने का प्रोग्राम, बर्थडे है तो भी खाने का प्रोग्राम, मरण तिथि है तो भी खाने का प्रोग्राम,
पहले 50-100 लोग में निपटता था, अभी तो 2000 का क्वेश्चन हो गया। पहले खाने में मिलावट नहीं थी, अभी तो पैसा इतना चाहिए ज्यादा, मिलावट राम बन गए सब। तो ऐसी हमारी आदतें खराब हो जाती है। और देखो गाय भैंस की आंतें ऐसी खुली होती है, इसलिए उनका मल है ना 2 सेकंड में फट बाहर निकल जाता है, पर हम लोगों को आधा घंटा बैठना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, और यहाँ फिश हो जाता, मसा हो जाता है, ये हो जाता है, सब अंदर हो जाते हैं, ऐसे आंख फूल जाती है, चिपक जाती है, तो इसमें से कैसे मल आएगा बाहर बताओ? खाखरा, खारी, मैदा, आटा, इतना मलाई वाला माल खाया है तो कहाँ निकलेगा बताओ? इसलिए डायबिटीज बीपी नॉर्मल हो गया है, और हमारे लिए भी निकालना नॉर्मल है। क्यों? हम सबसे पहले क्या साफ करवाते हैं? आते वो तो बहुत ज्यादा, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको देखना है तो मैं बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि टाइम मेरे को सामने घड़ी दिख रही है। देखो ये मांसाहारी प्राणी है, शेर है, मगर है, चीता है, बगला है, शेर है, साफ है, ये सभी प्राणियों ने अपना भोजन जो है वो अपना भोजन, यहाँ ध्यान, एक मिनट दो मिनट, ये भोजन खा रहे हैं, वो पकाने गए कहीं पर? पकाने गए नहीं, सभी ने क्या खाया? सीधा जो बनाया था कुदरत ने वो सीधा खाया। देखो सब माता है, वो किसको दूध पिला रही है? किसके बच्चे को? हर माता का हर बच्चा उनकी माता को ही वो पिएगा, दूसरी माता दूध वो नहीं पिएगा। तो बच्चे के लिए दूध है, हमें लेकर पाप में पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए वो हमें अभी आज से समझना शुरू करना है, 20 दिन देखने के बाद। और देखो जिसको कैल्शियम कम था, जिसको ये घुटन का ऑपरेशन था, जिसको चमड़ी का रोग था, सोरासिस था, किडनी फेल था, हार्ट अटैक था, उनको हमने ये करवाया, उनका रोग धीरे धीरे चला गया। आज हमारे डॉक्टर भी हमारे पास आके हमारा मशवरा लेते हैं, और अपना डायबिटीज बीपी के सब डॉक्टर देखो आप और भी कोई ना कोई रोग लेके बैठ कर, क्योंकि उनको भी सही रास्ता मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना खान पान बदलेंगे, अपना जीवन शैली बदलेंगे, नियमित तरीके से भक्ति भाव से भोजन देंगे, सीजनल इज रीजनल एंड सीजनल इज ओरिजिनल, सीजन सीजन में जो मिलता है, अभी सीताफल नहीं खाना है क्योंकि अभी सीताफल नहीं मिल रहा है, जब आता है तब वो, जब 60-70 का किलो मिले तो समझ लो अभी सीजन आ गया, 200 का किलो मिलता है तो समझ लो अभी सीजन नहीं आया। तो सीजन सीजन का कौन सा है वो जानना है ना, तो वो भाव से मालूम पड़ेगा, कि उसका भाव रिजनेबल हो जाएगा तो समझो कि वो क्या हो गया, सीजनेबल। अभी केरी है वो 200 का किलो मिल रही है तो मत खाओ, जब वो 80-90-100 की आ जाए तब खाओ, समझ रहे? दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं। अभी तरबूज है 15 का किलो मिल रहा है, 20 का किलो मिल रहा है, तो खाओ मजे से, खाओ पेट भर के खाओ, 2 किलो खा लो, 2 किलो भजिया खा सकेंगे क्या? लेकिन 2 किलो ठंडा तरबूज दिया मीठा तो बैठे बैठे खा लेंगे, बच्चे तक खा जाएंगे। तो ये है हमारी आंतों की पसंदगी जो उसमें चलता है, और खाने के बाद भी क्या प्रदान करता है? शक्ति, एनर्जी महसूस होता है। बच्चे खाने के बाद कौन सी एनर्जी महसूस होगी बताओ? और आज बच्चे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, सही में फास्ट फूड कौन है? वड़ा पाव को फास्ट फूड बोलते हैं ना, तो वो तो बनाने में कितनी देर लगती है, वड़ा को वो वटा का उबलना, वो तेल में डालना, मैगी बनानी है तो मैगी को भी पहले उसको पैकेट में डालने के लिए तो बहुत टाइम लगता है बनाने में, और बाद में खाने के बाद आटों को भी बहुत टाइम लगता है, निकलती भी नहीं है मैगी कभी कभी। बीच में एक वीडियो आया था मालूम है, कई बच्चे का आटे काटी तो अंदर पूरा मैगी मैगी ही निकल रहा है, देखा होगा सब, नूडल्स निकल रहा है। सही फास्ट फूड कौन है? फ्रिज खोला, टमाटर निकाला खाया, केला हाथ में लिया खाया, ककड़ी टमाटर लिया खाया, पपीता लिया खाया, वो सही फास्ट फूड ये है।
कोई टाइम नहीं लगता है, और खाने के बाद पेट को भी आराम मजे से पचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से शाकाहार क्या है, मांसाहार क्या है, हम शाकाहारी है या हम मांसाहारी है, ये समझ के सोच के 20-25 दिन महीना प्रयोग करो। पर कोई बड़े रोग में फंसे हुए है, अगल बगल में दोस्तों में कोई फंसे हुए है, तो आप उनको भी दवा खाने का रास्ता छुड़वा के आप हमारे पास लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट बचा है। हाँ ओके, देखो 10 दिन का शिविर, 20 दिन का शिविर भी कम रहता है ये सब टॉपिक समझाने के लिए। यहाँ तो क्या है, हम शॉर्ट शॉर्ट में ले लेते हैं, जैसे थोड़ा आपको अच्छे से सब कुछ मालूम हो जाए। लोग बचपन से खाते रहते हैं, माइक नजदीक रखो माइक, हम लोग बचपन से जो खाते रहते हैं वही खाते हैं। हाँ तो हमने थोड़ा थोड़ा तो बताया है, वापस बता देता हूँ। अंकल का क्वेश्चन ये है कि हम लोग बचपन से ही इतना रोटी सोटी और ये सब दूध घी खाते रहते हैं, तो अभी आप बताएंगे तो उसको रिवर्स लेना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। बाद में अभी मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो देखो मैंने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है 2 साल का, माँ का दूध छोड़ना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है उनको, दाल चावल रोटी में डालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करना पड़ता है। उसी तरीके से अभी ये पकाया हुआ भोजन, दूध के आइटम आज तक खा रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए भी थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ो। कैलेंडर है हमारे घर में कैलेंडर, उसके अंदर लिख दो ये रविवार तक मैं सुबह में ये नहीं खाऊंगा, ये दूसरे रविवार को 7 दिन में ये नहीं खाऊंगा, तीसरे रविवार को तय करोगे, चयन करोगे तो होने वाला ही है। हाँ, और अभी इससे सबसे अच्छा रास्ता ये है कि हमारे सेमिनार होते हैं ना, उसमें एक बार चले जाओ तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप कैसे बदल जाओगे, क्योंकि पूरा माहौल ये होता है। और आप घर पे भी आप ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं नहीं होगा, लेकिन थोड़ा और ज्यादा ज्ञान पहले लो, थोड़ा इसका अनुभव करो, बुक्स पढ़ो, कोई लोग नए पुराने हैं इसमें जुड़े हुए उनसे मिलो, तो क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। जब अपना ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य आएगा। ये समझाने का इतना टाइम क्यों लेते हैं कि इतना समझाएंगे तब एक बात थोड़ी बहुत दिमाग में जाएगी, साइंस बीच में आएगा, धर्म बीच में आएगा, माँ बाप ने सिखाया है वो बीच में आएगा, और आपको अपने टीचर्स ने सिखाया है वो सब बीच में आएगा। तो हर बात को डायरेक्ट दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, जरूरी भी नहीं है करो, 2-3 महीना करके देखो, डायबिटीज गया, बीपी गया, एसिडिटी गया, शुरुआत 20 दिन से करना है, ठीक है, 20 दिन लेके करो, हो जाएगा इजी। अभी अपना जेने डायबिटीज वधारे छे, हां जेने जते जमवानो बंद करे અને બીજા પ્રોબ્લેમ ઉભા થાય, રોજ ઉપર થી ઇન્સ્યુલિન લે છે, ઇન્જેક્શન લે છે, તેના માટે આ તો હું હિતા હોય છે। इंसुलिन लेता हो तो आ करू बिताओ छे, जो हिंदी में चलेगा ना, उनका सवाल ये है कि इंसुलिन ले रहे हैं, शुगर है तो भूखे नहीं रह सकते हैं, और शुगर बढ़ जाता है तो ये सब करेंगे तो क्या होगा फिर आगे जाके। तो देखो मैंने पहले बताया सबसे बड़ा है वो है डर। क्या है डर, समझेंगे तो पहले डर चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, समझ के करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा, विश्वास के साथ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दूसरी बात, इंसुलिन है वो शुगर बढ़ती है इसलिए लेना पड़ता है। शुगर क्यों बढ़ता है, आज साफ नहीं हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, दिन भर क्या खाते हो, रोटी दाल चावल या कोई बाहर का नाश्ता, खाखरा पापड़, और अभी क्या खाओगे, हमारी सिस्टम में क्या खाओगे, सलाद फल फूल जूस, सुबह का एक टाइम का खाना छोड़ना है, डायरेक्ट नहीं छूटता है तो 2-2 घंटे पे जाओ, 8 बजे लो 2 दिन,
दो दिन 10 बजे लो, दो दिन 12 बजे लो, ऐसा करके आप तो बेहतर शुगर कम भी हो जाता है तो थोड़ा तकलीफ आता है। हाँ तो फिर दवाई कम करो, हमने बताया ना जो भी दवाई चल रही है उसको देख के लो। आप इंसुलिन नहीं लगे लोगे तो खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मेरे ख्याल से इनका जो शिविर लगता है शिविर में रहेंगे तो वो इनके शिविर लगते रहते हैं। हम लोग तो खाली शुगर का जूस पिलाते हैं, दिन भर 10-10 ग्लास पिलाते हैं 600 डायबिटीज वाले को, और फिर भी 150-200 आ जाता है 2-3 दिन 4 दिन। आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना अभी तो हमने देखा है इसलिए हमको मालूम है। तो इंसुलिन है तो उनको धीरे धीरे आधा करते रहो और वो जो फास्टिंग है उसको बढ़ाते रहो, 1-8-10 दिन में तो इंसुलिन बंद हो जाएगा। साइंस को छोड़ना पड़ेगा। वो अभी यहाँ का ग्रुप होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें मैसेज आपको मिल जाएगा और बाद में वो हमारा भी नंबर उसमें जोड़ देंगे तो वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। लोग इन लोगों को कैसा कैसा अच्छा हो गया, उनको वीडियो भी बहुत है। मेरा है महेंद्र कोरा, बीवी चौहान है वो जिसने हमने सिखाया है उसका है। हाँ बताइए। 2013 में यानी 10 साल पहले मैंने शिविर किया था, 10 दिन का अंगूर में खराब। हाँ। वहाँ से आने के बाद 8-10 दिन तक घर पर नॉर्मल रहा, लेकिन 10-15 दिन बाद वीकनेस आना चालू हो जाती है, फिर भोजन चालू करना पड़ता है शाम का। देखो पहली बात तो है कि हमने अभी ये समझा कि हमारा भोजन क्या है, पहली बात है। दूसरी बात, आप 40-50-60 साल तक गलत भोजन पे रहे हो और आप ये सही भोजन में आ रहे हो तो शुरू शुरू में 2-3-4-6 महीने तक थोड़ा बहुत कभी कभी वो हमें अभी वीकनेस लग रही है तो समझ लो कि वो बॉडी को आराम की जरूरत है, बॉडी को आराम की जरूरत है, तब उसको आराम देना बहुत जरूरी है। और हमारा क्या छाप खाना है कि नौकरी का टाइम है बस जाना पड़ेगा दुकान का टाइम, तो क्योंकि अभी देखो शरीर की जरूरत क्या है वो पूरी करनी भी हमारा फर्ज है, वो तो आज तक देखा नहीं हमने, कब देखते हैं शरीर का रिलैक्सेशन, कब देखते हैं कुछ बड़ा रोग आ गया तो अभी ये जो थोड़ा आप वीकनेस बोलते हो ना उसका टाइम थोड़ा खींच लो, 5-10 दिन देख लो तो वो वीकनेस चला जाएगा। हमारा अनुभव है अभी हम इतने साल से कर रहे हैं, कभी बॉडी को जरूरत है तो वीकनेस आ जाती है, 1-2 दिन आराम कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम देना पड़ेगा, हाथों को देना पड़ेगा और ध्यान करके मेडिटेशन करके कुदरत के ऊपर अपना जीवन डाल के मन को भी आराम दे दो। वो नरसिंह मेहता ने बताया है ना, हूँ करूँ एज अज्ञानता सकटनो भार जेम श्वान तान, कुत्ते को लगता है गाड़ा मत चला रहा है मैं चला रहा हूँ, लेकिन सही में हम कुछ चलाने के लिए सक्षम नहीं है, हम खुद भी नहीं चल सकते हैं, देखो कभी कभी तो दुनिया क्या चलाएंगे। हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोज कच्चा खाता हूँ सुबह में, 5 साल से कच्चा नाश्ता कर रहा हूँ। ओके। और मेरी लाइफ में मैंने कभी छुट्टी नहीं रखी है और मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। हाँ, तो अभी भी मैं एक्टिव हूँ, मैं सुबह 4 बजे रोज उठता हूँ, 4-5 सवा 5 बजे निकल जाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ 1.25-1.25 घंटा योगा करता हूँ, 1-1.5 घंटा में आर एस में जाता हूँ, बाद में घर में आके कच्चा नाश्ता करता हूँ। हम लोग 5 भाई का फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 5 भाई का फैमिली मिल गया जवाब आपका, प्रॉब्लम नहीं, आपका जवाब मिल गया। अभी भी मैं 50 किलो का गेहूं का बोरी उठा के फेंक सकता हूँ, अभी मैं मसाला का काम कर रहा हूँ, गेहूं का काम कर रहा हूँ, अभी मैं देसी चना बेच रहा हूँ, देसी चना में 50 किलो लेके जा सकता हूँ, कहाँ भी जाना। कच्चा खाते हो सुबह में? हाँ सुबह में कच्चा। ओके, एक टाइम खाने का इतना फायदा है। लौकी खाता हूँ, लौकी लौकी बहुत अच्छी लगती है, टमाटर डाल के, और मीट खाता हूँ, गाजर खाता हूँ,
वो तो जितने भी सब्जी है आपके अंदर मन में मजा आना चाहिए। देखो जूस पीना है, सलाद खाना है, फल खाना है, तो उसमें भी मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वो क्या बोलते हैं, ये तो खाना पड़ेगा, डायबिटीज आ गया है तो पीना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। कुदरत ने हमारे लिए बनाया है इसलिए हमें खाना है। कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन किसी को? हमारे पड़ोस में आंतर का अल्सर का अल्सर तो हफ्ते में चला जाता है, एक हफ्ते में अल्सर चला जाएगा। मैं एक छोटा सा आपको बताऊं, हमारे वराछा में एक बहन थी, वो मुझे पहचानती थी, वो मेरे पास आई और रोने लगी, भैया मेरे भाई को अल्सर है, हमने अहमदाबाद में एक ही डॉक्टर को एक साल में 18 लाख रुपया दिया है, अभी एक इतना भी फायदा नहीं हुआ है। उसने बोला 2 साल में हमने जमीन बेच दिया, मकान बेच दिया, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। और मैंने बताया अपने भैया को लेकर एक बार मिल जाओ और बाद में आप आगे के साथ 1 महीना कर लो। और आयुर्वेद ने बताया है 90 दिन अगर आप पकाया हुआ भोजन मिल्क प्रोडक्ट छोड़ेंगे तो आपका पूरा हार्ट है, किडनी है, बॉडी है, पूरा नया बन जाएगा, नया 10-15 साल लेस आप उसको गिनती में डाल सकते हो। तो वो बहन ने उनके भाई को लेके आए और सब कुछ समझाया। आप मानोगे नहीं, 6-7 दिन के बाद फोन आया, आज मेरा भाई कारखाने में काम करने चला गया। यहाँ बॉम्बे मार्केट के पीछे के एरिया में रहते हैं, स्वामीनारायण नगर में भी। हमारा क्या है, फोन नंबर एड्रेस रिपोर्ट के साथ आपको प्रूफ मिलेगा जो भी चाहिए हो। पर ज्यादातर हम ऑपरेशन करवाते हैं ना तो बेड तक आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को पूछते नहीं है कि ये करने के बाद मेरा क्या हाल होगा, काट लो इतने वहां। और हम बताते हैं ना इतना पानी चढ़ाना है, और अरे महेंद्र भाई मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ये मैं नहीं करूंगी। बोल इतनी हमारे में सब ना समझ है कि क्या करना क्या नहीं करना। अभी कई लोग आते हैं हमारे पास, ऐसे कोई बताते हैं ना कि फाइल्स का ऑपरेशन करवाओ, ये हार्ट का करवाओ, पेट का करवाओ, तो फिर हम बताते हैं कि एक सवाल तो पूछो, आप कोलेस्ट्रॉल की टिकड़ी ले रहे हो, दवाई ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल की, आपने कभी देखा कि लोहे पतला हुआ तो अंदर का जाड़ा जाड़ा जो भाग होता है वो कहाँ गया? लोहे में से जो जाड़ापन होता है वो आपने देखा कहीं निकला? आप दवाई किसकी ले रहे हो? खून पतले होने, तो पतला हो कब होगा? जाड़ापन निकलेगा तो। समझ में आ रहा है? सब बनाई बात है, कोई कायमी समाधान नहीं है। तो हाँ, उसको हमारे सेंटर पे भेज देना, हमारा नंबर दे देना, और उसका 1-2 हफ्ते में पूरा रेडी हो जाएगा गारंटी के साथ। हाँ वो तो फिर शरीर तो अभी को अच्छा होने की कोई चांस ही नहीं है, अभी अल्सर है तो कोई पाचन होता ही नहीं होगा, पाचन नहीं होता है तो कैसे बॉडी बनेगा? पहले पाचन तंत्र ठीक करो, फिर बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूध है संपूर्ण खुराक है। हाँ ऋषि मुनि गुरुदेव हमारे भी आज महीने में दूध पे जीते गाय का दूध पीते हैं। हाँ तो मांसाहार कैसे? ये क्वेश्चन है। हाँ दूध है वो अभी ऋषि मुनि जो पी रहे हैं गाय भैंस का, हम जो पी रहे हैं गाय भैंस का, वो कहाँ से निकलता है? हमने तो खाली लॉजिक देखा लगाया है, हम कोई भगवान की बात या ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहे हैं। गाय का, एक मिनट पहले आप सुन लो, गाय का और भैंस का जो दूध है वो उनको कब आया? पहली बात, उनको कब आया? बच्चा हुआ तो किसके लिए आया? बच्चे के लिए। ऋषि मुनि क्या करते थे शायद, मैं सुनता हूँ वो बता रहा हूँ। ऋषि मुनि पहले तो गाय के बछड़े को दिन भर खुला रखते थे। कैसा रखते थे? और हम लोग क्या करते हैं? बांध देते।
दूसरी बात, हम गाय भैंस को इंजेक्शन देते हैं, ऋषि मुनि ने दिया था इंजेक्शन कभी। तीसरा, जो ऋषि मुनि है ना वो गाय की सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा। और हम कौन सी गाय की सेवा करके दूध पीना है? हम वो वाला कोई काम नहीं हमें करना है शरीर में। और ऋषि मुनि पत्र पुष्प फल जल भी खाते थे, उसने रोटी चावल दाल चावल खिचड़ी सही में बनाया होगा नहीं बनाया वो बहुत बड़ी सुनने की बात है, क्योंकि वो तो भक्ति भाव में डूबे रहते थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना घंटा घंटा दो दो घंटा कोई वेराइटी बनाने में लगा दे। तो अगर मैं ये बात बता रहा हूँ फिर भी कि चलो आज तक तो दूध पी लिया है ना, ऋषि मुनि को, कृष्ण को, साइंस को, धर्म गुरुओं को, माताओं को, पिताओं को, सबको हमने हमारा गुरु बना के आज तक तो दूध पिया है, आइटम खाई है, तो अभी 20 दिन खाली बंद करके देख लो, पेट हल्का लग रहा है नहीं लग रहा है। और मांसाहार शाकाहार की बात क्या है कि शाकाहार भोजन कौन है? जो झाड़ में से निकलता है, मैंने वो भी बताया, मक्काई में से दूध बनता है, बादाम में से बनता है, मूंगफली में से बनता है, वो दूध है तो शाकाहार है। लेकिन एनिमल्स में से जो दूध निकलता है, अगर समझ लो दूध का सफेद रंग है वो रातों रात लाल हो गया तो क्या बताओगे उसको? क्या बताओगे? दूसरी बात ये बताऊ कि हम साइंस ने दूध को हमको पीने का बता दिया संपूर्ण आहार, लेकिन साइंस आज तक ये बता भाई कि गाय का खून है वो एक गाय में से 100 लोगों को हो जाएगा, गाय का खून लो और हमको चढ़ा चलता है, चला है आज तक नहीं, क्यों? मैच नहीं हो रहा है तो कैसे दूध मैच हो गया? गाय के बछड़े का दूध हमारे बच्चे के पेट में मैच हो गया, कैसे हो गया? देखो याद है मैं भी किसान का बेटा हूं, बहुत दूध खाया है पिया है। तो शाकाहार क्या है अंकल? फल है, सलाद है, जो पौधे में से निकलता है ना वो शाकाहार है। गाय का दूध है वो किसमें से निकलता है? गाय का दूध है वो पौधे में से निकलता है। तो गाय क्या खाती है? गाय क्या खाती है? घास। देख लो तो घास खाती है, तो घास से ज्यादा एनर्जी दूध में तो होगी नहीं होगी, इनपुट क्या है? तो हमें सीधा घास लेना चाहिए। दूध की वजह तो बच्चा है, दूध का हकदार कौन है? बच्चा है। दूध आज मंदिर में भी चलता है, मंदिर में चढ़ाते हैं। कौन चढ़ाता है? और हम गाय भैंस कभी नॉनवेज नहीं खाते है। तो वो भले नॉनवेज ना खाए तो उसे आप जब नॉनवेज नहीं खाते हो क्यों दूध देती है? तो आपको उसको आसार कैसे हो? वनस्पति वाला है, आप बोलते हैं चलो मैं वो मान लेते हैं वनस्पति वाला प्योर है, तो ये लोग जो नॉनवेज नहीं खाते गाय भैंस को तो उनका दूध आप आसार कैसे बोल सकते? शेर है शेर, वो गाय को खाता है कि उसका दूध खाता है? शेर शेर है वो गाय को खाता है कि गाय का दूध खाता है? अरे लेकिन वो मंदिर वाली बात है, वो मंदिर के अंदर है। इसमें कोई इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, इन्होंने अपनी बात रखी है, इनके अपने सिस्टम में उसको ये बताया जाता है, कुछ इन्होंने धारणा दी है सबको समझ में आया। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ जो भी कोई भी प्रवक्ता आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, आपको जो उसमें अच्छी लगे आप उसको फॉलो कीजिए, जो चीज अच्छी नहीं लगे उसको फॉलो, उसमें बहुत ज्यादा बहस की जो कहीं होती नहीं है। हर आदमी की लॉजिक है, ये वो अपनी लॉजिक, ये भी बोल रहे मैं किसान का बेटा हूँ, दूध पिया हूँ, सब कुछ किया हूँ, मेरे को भी मांसाहारी से मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो इनकी जो बात है समझिए, जो चीज अच्छी लगे भाई हमको ये उपवास करना है, फल खाना है, वो खाइए, दूध आपको लगता है कि नहीं हमको पीना है तो कहाँ बोलते हैं कि इतने छोड़ ही दीजिए, ये 20 दिन के लिए बोल रहे हैं छोड़िए छोड़िए नहीं छोड़िए मत छोड़िए, हमें क्या करना है? मैंने पहले ही बोला कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे कोई चीज के लिए, मैं मेरे को भी आपत्ति है, मैं भी आपत्ति है, कोई भी दर्ज करा सकता है, हम गाय माता बोलते हैं हम उसको मांसाहारी नहीं बोलते हैं, इन्होंने जो लॉजिक दिया उस पे कि भाई बछड़े का हक होता है अपने उसको हटा के अपने दूध निकालते हैं, मैंने देखा हुआ जहाँ मशीनों से दूध निकलता है जो अपने थैलियों में आता है उसमें खून भी आता है, उस दूध में मशीनों से जब दूध निकालते हैं उसमें खून भी आता है, अपने पास नहीं पहुंचता है,
मैंने देखा हुआ है। उसके बाद हमने डिसीजन लिया जो इन्होंने बोला कि अपने कौन सी सेवा करते हैं। आप सुचेता आपकी 14 गाय रखी है, गौशाला बना रखी है, सारा सेवा अपने परिवार के अंडर में होता है, वो दूध हम लोग पीते हैं। तो कुछ कर सकते हैं, कीजिए ना, कोई गाय पालिए, उसको सेवा कीजिए, उसका दूध पीजिए, हो सकता है अच्छा हो। लेकिन बछड़ा खुला रखना है, बछड़ा खुला रखिए, उसका दूध पीने के बाद बच्चे तो आप ले लीजिए। हम तो बांधते हैं भाई, अभी इतना लेकिन अभी आज बात सुना है, मैं उस पर फॉलो करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्ट है, जैसे ऋषि मुनि की बात आई, तो ऋषि मुनि तो गाय को खुला ही रखते थे, बछड़ों को भी खुला रखते, कभी बांध के नहीं रखते थे, और खुद भी फल खाते थे, उसको भी फल खिलाते थे, वो अपना चारा खाते थे। और देखिए बातों में, ये जो घास खाती है तो दूध देती है, और वही घास टाइप की चीजें अपने को जो फल के रूप में मिलती है वो अपने को खाने के लिए बता रहे हैं। तो जो जो अच्छी चीज है उसको फॉलो करें, जो आपको समझ में आया सही कीजिए, कोई ये बात तो रहे नहीं है। तो इसलिए आपका मतलब कोई भी बात है उसको अदरवाइज कोई नहीं लेगा, किसी को ऑब्जेक्शन है ठीक है, उसके मन में आया बात कर लिए, वो भी अपनी निकाल लिए, लेकिन करे जो आपके मन करे, ये आपको सजेशन देने आया। और मैंने पहले ही बोला था कि मैं किसी के विरोध के लिए या किसी को अपनी ठेस पहुंचाने के लिए कुछ यहाँ से प्रयास नहीं कर रहा हूँ। वो आप फोन करके भी आप मतलब वो अपनी जो बीमारी है उस हिसाब से होता है, पैकेज होता है, जस्ट इनका बीमारी नंबर है ना, हमको ये पता प्रैक्टिकली के लिए हम आना चाहते हैं, वो कितना होगा। अभी देखो ये मेरा वीडियो मेरा बन रहा है तो ये पूरा वर्ल्ड में जाएगा, और मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कल कहाँ होऊंगा, कल कौन सी पोजीशन में होगा, और मतलब इसलिए आप तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, जब आपको रुकना आना है तो हम आपको सब बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा देखो, मुझे भगवान ने बेटा नहीं दिया है, इसलिए हमारा पहले से सेवा भाव से सब कुछ चलता है। और अंकल मैं गाय भैंस की बात करूँ, हमारे पापा 4 भैंस 2 गाय और 4 बैल रखते थे, 150 बीघा जमीन है गाँव में मेरी। मैंने पापा को बोला, पापा चारों लोगों को ठीक होना है तो पहले इनको बेचो। मेरा 1 महीने का रसार हुआ, मैं गांव गया और पहले गाय भैंस बेच दिया। पापा बोला 80,000 की नुकसानी आ रही है, फायदा बहुत होने वाला है। देखो 14 साल सब जीवन किए, किसी को कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी, और मौत हुआ तो सबका एकदम एंजॉयमेंट वाला मौत हुआ, समझ रहे। तो 4 में अभी मैं आपको, अभी मेरा जो सेंटर है ना, वहाँ पर डे का 800 रुपया होता है, और उसमें ट्रीटमेंट, खाना पीना, रहना सब कुछ आ जाता है, थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी साथ में करवाता हूँ जो थोड़ा सपोर्ट करता है। वो थैली में है पेपर, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है या जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया, उसका कोई मंथली या क्वार्टरली कोई डेट निकलता है, मतलब पेपर निकलता है इस तरीके का? उसका हमारा यूट्यूब चैनल में सबका वीडियो होता है, तो वो वीडियो आपको सुनने को मिलेगा उनके नंबर के साथ। तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं भैया को दे दूंगा, वो आप सबको दे देंगे, तो उसमें आप, मैं काफी लोगों के अनुभव मैंने रखे है, और बाद में आगे भी नई नई रेसिपीज भी उसमें आपको जानने मिलेगी। हम इतने फरसान, इतने लड्डू, इतने हलवे बनाते हैं और टेस्टी टेस्टी बनाते हैं कि आपको लगेगा नहीं दाल चावल रोटी को छोड़ा। धन्यवाद। कैंप का आयोजन, कैंप की डेट अभी फिक्स नहीं है, थोड़ा जगह ढूंढ रहे हैं कैंप के लिए, मुझे थोड़ा क्या है 40-50 लोग रह सके ऐसे जगह हम ढूंढ रहे हैं। जनसुख भाई भी मेरे साथ है, मैं महेंद्र भाई से लास्ट 6 महीने से जुड़ा हूँ। मेरे को कोलेस्ट्रॉल था, शुगर था और प्रेशर आ गया, डॉक्टर ने बोला था भाई प्रेशर का टेबलेट राइट टाइम तक लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं महेंद्र भाई के कॉन्टेक्ट में आया। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, सुबह से 12 बजे तक कुछ नहीं खाने का, 12 बजे ग्रीन जूस पीने का, और 12 बजे के बाद फ्रूट सलाद और शाम को खाने का एक टाइम। महेंद्र भाई के साथ कॉन्टेक्ट में हूँ मैं, शाम को पका रहा हूँ, उसमें भी नियम है। भी पहले मैं जानी लोचा के वाले सुबह में जाता था, अब शाम को जाता रात को पकाया भोजन एक साथ बोलने का, दो दो घंटा
वो तीन बार लगता है इसमें एक लीटर पानी रहता है तो तीन बार यूज होता है। एक मिनट, यहाँ मैंने को पूछिए वो सवाल क्योंकि सबके लिए जरूरी है। अंकल बता रहे हैं पहले आपका अनुभव थोड़ा सा, सबका एक्सपीरियंस यूट्यूब पे मिलेगा, आप यूट्यूब सर्च करेंगे यूट्यूब में पूरा वीडियो वीडियोस के साथ पूरा ड्राइंग के साथ सब पूरा मिलेगा। और लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो साथ कोई बोलेंगे तो एक दिन यहाँ खाना भी रखेंगे दोपहर में, कच्चा खाना बिना गैस से बनाया, उसका भी प्रोग्राम रखेंगे, वो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कच्चा खाना कैसे हो। वो अभी आपको हम लिंक दे देंगे ना हमारी, और देखो इसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक मार्गदर्शक को पकड़ के चलना शुरू कर देना, जब जितने भी अलग अलग पकड़ोगे ना उतने ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। वो एक बात दिमाग में खास याद, हाँ वो भैया बोल रहे हैं एनिमा वाला सवाल। तो देखो हमने ये बताया कि ये जो डिब्बा है वो पानी से भर दिया नॉर्मल वाटर से, हम लेट गए हैं दाहिनी साइड, एक बार बाईं साइड, एक बार ऊपर की साइड, तो हर बार में एक डिब्बा चढ़ाना है, पूरा डिब्बा एक बार में चढ़ाना है और उसको निकालना है, बाद में वापस पानी भरना है, बाद में राइट साइड सो जाओ पानी चढ़ाओ फिर वापस निकाल दो फिर वापस उसको दूसरी साइड पे चढ़ाओ, ठीक है ऐसे तीन टाइम पानी चढ़ाना है एक राउंड में कंटिन्यू। हाँ मतलब एक चढ़ाया बाहर निकाला, दूसरा चढ़ाया बाहर निकाला, तीसरा चढ़ाया बाहर निकाला। तो वो तो टॉयलेट में तो ये खुला रहता है ना, टॉयलेट में तो ये ओपन है, ये पानी दिखेगा ना इसमें, ये हाँ तो वो तो लेते हैं तो ये तो टेढ़े लेते हैं ना, उल्टे थोड़े लेते हैं। हाँ 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 वो तो एक दो मिनट में बाद में रोज मालूम हो जाएगा अभी हो गया, टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम एक दो मिनट में हो जाता है, टाइम नहीं लेता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, आराम से हो जाता है। B12 की कमी शाकाहार में मानव को आती है, शेर को सॉरी वो हाथी इतना मोटा है, गाय भैंस इतनी मोटी है, उनको नहीं बिटवेल घटता है। बिटवेल किसको घटता है, जो खा खा कर अपना बॉडी अंदर बिगाड़ दिया, आंतों को बिगाड़ दिया, अपनी ग्रंथियों को बिगाड़ दिया, इसलिए बिटवेल पैदा नहीं हो रहा है। हम लोग दिन में कभी धूप में गए एक घंटा धूप में रहते, दो घंटा धूप में रहते, वो लोग दिन भर धूप में रहते, तो एक दूसरे विटामिन एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन होते हैं। वो पत्रिका से सेली में पत्रिका गायन जूनी जिसको जो भी प्रॉब्लम है, दूध की आइटम छोड़नी है, पकाया हुआ भोजन छोड़ना है, सुबह शाम एनिमा करना है।